टैलेंट जो खुल के सामने आ रहा है, लड़कियों का, लड़कियां जो सिनेमा में नहीं दिखा सकती है वेब सीरीज में वो दिखा रही है कि क्या है सिनेमा। हम दिखाना चाहते हैं आपको कि क्या है हमारे सिनेमा, हम दिखाना चाहते हैं, और उस सिनेमा का नाम है वेब सीरीज। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से लड़कियाँ खुल के आ रही है, इसका नाम वेब सीरीज होना चाहिए, वेब सीरीज। वाओ, वेब्स वेब्स सब तरफ वेब्स है, तो समाज में गलत मैसेज। वेब सीरीज का मतलब ही होता है गलत फिल्में, तो कुछ गलत फिल्में भी तो होनी चाहिए ना। तो समाज की ऐसी फिल्में जो हम सोचते हैं कि यार ये ऐसी फिल्म बन सकती है क्या, तो सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसी फिल्म बना दी जाती है। आप अकेले में देखो और खुद सोचो कि ये फिल्म बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, इसमें क्या गंदगी है। तो लेकिन ऐप तेरा जो आया है उसमें यही कहना चाहता हूँ मैं कि अब इससे हर कोई जुड़ना चाहता है, तो इसे कहना चाहता हूँ कि हर आर्टिस्ट इसको देख के कहेगा मैं तो फिल्मों में आ चुका हूँ, टीवी पे भी दिख चुका हूँ, अगला अब मेरा कदम है एफ तेरा, एफ तेरा, सब तेरा, सब मेरा, आई विल शो सब मेरा, ऑल द बेस्ट। एक्चुअल में चार वेब सीरीज के जो टीज़र आपने देखे हैं अभी, और हम 15 वेब सीरीज बना रहे हैं। एक्चुअल में हमने ये जो ऐप बनाने का डिसीज़न है हमने सिर्फ 3 महीने पहले ही लिया है, और बहुत सारा काम फास्ट हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से 4 वेब सीरीज का टीज़र हम डाल पाए हैं। 2-3 दिन के अंदर आपको पूरा ऐप लाइव जो है दिखेगा, उसमें मूवीज़, सीरियल्स, 15 वेब सीरीज और नए टैलेंट को लॉन्च कर रहे हैं हम ऑल ओवर इंडिया से। बड़े बड़े टैलेंट हंट होते हैं लेकिन वो ट्रॉफी थमा देते हैं और वो टैलेंट भटकता रहता है यहाँ। आपको क्या लगता है जो चीज़ें फिल्मों में नहीं दिखाया जाता, वो चीज़ें ऐसे आर्टिस्टों को मतलब वेब सीरीज से एक मौका मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है, दिखाने वाले फिल्म से भी दिखा सकते हैं लेकिन कंटेंट ही नहीं लोगों के पास में। 100-100 करोड़ की मूवी लोग कॉपी करके बना रहे हैं तो कंटेंट कहाँ है, इंटरेस्टिंग बताओ। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेब सीरीज से आप? वेब सीरीज से वेब सीरीज जो हम जो वेब सीरीज ला रहे हैं, हमारा जो थॉट है हम मार्केट में कुछ नया देना चाहते हैं। मार्केट अच्छा है लेकिन एक्चुअल में क्या है कि इंडिया में अपनी भेड़चाल चलने की जो आदत है ना, उससे थोड़ा अलग चलना चाहिए। मतलब किसी ने कोई क्राइम के ऊपर बनाई तो वो उसको लेके उसी के ऊपर बनाएंगे लेकिन उससे अलग नहीं जाएंगे, उनका कंटेंट सेम टू सेम जाता है, उनसे अलग नहीं जाता है। हम चाहते हैं कुछ अलग दिखाएं पब्लिक को। हमारा काफ़ी ऐप है जिसमें मतलब कुछ सेक्स को लेके दिखाया जाता है पॉपुलर होने के लिए, और काफ़ी कंटेंट मतलब कंटेंट अच्छे बना नहीं पाते लोग, तो हम लोग सेक्स के ऊपर या उसके ऊपर हम जा नहीं रहे। हम लोग, हमारा जो हीरो है वो कंटेंट है, इसके अंदर हम नए टैलेंट को लॉन्च कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, डांसर हैं, इन सब को हम लॉन्च कर रहे हैं इंडिया लेवल ये ऐप के। थैंक यू सो मच। आज टीजर लॉन्च किया गया है, दर्शक इसे डेफिनेटली बहुत पसंद करेंगे क्योंकि अभी तक जितने वेब सीरीज या इंटरनेट बेस्ड शॉर्ट मूवीज या इस तरह की फिल्में आ रही हैं, इंडिया की पब्लिक पक चुकी है एक ही तरह का कंटेंट देख देख के, एक ही तरह का कॉमेडी या अडल्ट कंटेंट देख देख कर। जो हमारी वेब सीरीज आ रही है, कुछ आपने झलक देखी होगी, हम कोई एक जॉनर पकड़ के नहीं चल रहे, या हम लोग सिर्फ कॉमेडी या अडल्ट कंटेंट या उस तरह का कोई एक थीम पकड़ कर नहीं चल रहे। इसमें हर तरह की कैटेगरी में कुछ ऐसी फिल्में हैं जो सिर्फ आपको चिल्स और थ्रिल्स नहीं देंगी बट अंत में आपको सोचने का एक ये भी देंगे कि जो समाज के लिए एक मैसेज होता है, या आज अपना समाज कहा जा रहा है, इंडियन पब्लिक का मेंटालिटी कहा जा रहा है, उस पर भी हमारे थीम डिपेंड होती है। थैंक यू। पर्सनल लव पे नहीं है, मेरा मूड में है।
मूड जो वेब सीरीज है उसमें नहीं, बिकॉज आजकल तो कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, गोल्ड चल रहा है, आप बालाजी और देखो और उल्लू ऐप देखिए, तो उस समय चल रहा है, तो उससे तो बहुत कम है हमारा जो इसमें हमने किया है। खुशी तो हो रही है अपने टीज़र देखकर, और दर्शकों से बस ये कहना चाहूँगी कि F13 करके हमारा जो ऐप लॉन्च हो रहा है और इसमें जो वेब सीरीज़ आएंगी तो आप लोग देखें, और जो कॉन्सेप्ट है हमारे वो बहुत ही डिफरेंट है, तो आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगा। इससे पहले जब ये साल शुरू हुआ तो ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि गंदी पार्ट 2 से मेरी शुरुआत हुई, उसके बाद राम की जन्मभूमि, उसके बाद कबाब, तो तीनों कैरेक्टर बहुत डिफरेंट थे। और जब मैंने कबाब किया तो ये थोड़ा सा स्कैरी भी है, क्योंकि इसमें इस बार में बहुत बहुत बार मुझे डरना है, और बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैरेक्टर भी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आया करके। आई होप कि सबको लग रहा था कि मैं लाश हूँ तो मैंने जितना हो सका टीज़र में कोशिश की है कि प्रॉपर मैं लाश लगूँ, और जब मेरी कबाब बनेगी तो लोग खाकर बताएंगे कैसा लगा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर से क्या कहना चाहेंगे? ये जो अभी टीज़र शूट हुआ है जिस तरीके से, बहुत चैलेंजिंग काम मेरे लिए भी और डायरेक्टर के लिए भी, क्योंकि हमने इसमें कोई सपोर्ट कुछ भी यूज़ नहीं किया, और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको शूट किया है। तो मेरे प्रोड्यूसर्स के लिए, मेरे डायरेक्टर्स के लिए, मेरे सारे एक्टर्स के लिए मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है इस ऐप की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा तरक्की करे, और मेरे साथ साथ जितने भी एक्टर्स हैं सबको बहुत सारा काम मिले। आपसे काफ़ी सवाल, वेब सीरीज की बात करें तो फिल्मों की तरह जो है वेब सीरीज अब काफ़ी धमाल मचा रहा है, वो वेब सीरीज ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, क्या लगता है आपको फिल्मों से ज़्यादा वेब सीरीज का शौक है? देखिए, इतना ईजी हो चुका है सब कुछ, अभी आप अपने आप को देखिए, आप अपने हाथ में फ़ोन लेकर, तो फ़ोन जब हाथ में है और चीज़ें हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बोर हो रहे हैं, हम फ्लाइट में बैठे हैं, हम कहीं भी बैठे हैं, ईजिली हम चीज़ें देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं आजकल। लेकिन बट वेब सीरीज़ में इतनी लिबर्टी है कि आप, मतलब लिबर्टी है कि आपको जो भी पिक्चराइज करना है उसमें सेंसर का वो नहीं है, तो फुल लिबर्टी है हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोडक्शन को, कि आप जैसी स्टोरी दिखाना चाहते हैं आप उसको वैसे ही दिखाएंगे। कैंची कम, मेरे को तो लगता है कैंची नहीं चलाते हैं सेंसर, तो आपको जो उसमें मसाला डालना डालिए। थैंक यू, थैंक यू। जी, वेब सीरीज़ जो हमारी आ रही है जिसमें मैंने काम किया है उसका नाम है कबाब। आई होप आप सब लोगों को वो कबाब पसंद आ गया होगा, राइट? F13 प्लेटफॉर्म एक नया प्लेटफॉर्म है, एक नया ऐप है, जैसे कि नेटफ्लिक्स चल रहा है, अमेजोन चल रहा है मार्केट में, वैसे ही हमारा F13 ऐप आ रहा है जिससे मैं जुड़ा हूँ, मैं भी एक कोर कमेटी का मेम्बर हूँ, पार्टनर हूँ, और ये सब हमने मिलजुल के काम किया है इसमें, और बहुत ही खुशी है कि हम आज हमारा ये लॉन्च हुआ है, और कल से आप प्ले स्टोर पर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इससे नए टैलेंट्स को भी हम चांस देंगे, साथ में बहुत लोग जुड़ेंगे, बहुत लोगों को काम मिलेगा, बहुत लोग इसके साथ खुश रहेंगे। सो माय बेस्ट विशेस टू माय होल टीम। जी, अभी तो हमने ट्रेलर शूट किया है, उसके आगे की शूटिंग बाकी है, और जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो हो सकता है थोड़ा टेरिफिक लगा होगा, अभी इसमें बहुत चीज़ें और ऐड करनी है, इसमें मैं लड़कियों को मार के और उनका मार के उनको भेड़ों सेकता हूँ बारबेक्यू की तरह, और उनका कबाब बना के खाता हूँ। इट्स अ ह्यूमन कबाब एंड इट्स बेस्ड ऑन अ ओरिजिनल स्टोरी, इट्स बेस्ड ऑन अ ओरिजिनल इवेंट विच हैपेंड इन पुणे। पुणे में एक आदमी था जिसने बहुत लोगों को मार के उसका कबाब बना के खाया और सर्व भी किया लोगों को होटल में, तो इट्स बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी। She can, you know, understand English, not Hindi. What tell about this web series about your character? My character, sexy girl, who actually love money, and I was have relationship with one guy who love me, but I not have actually for him any kind of serious feelings. I just with him because of he is rich, money and all.
इनका जो वेब सीरीज़ का नाम है वो है व्यापार. आपने देखा होगा व्यापार जो वेब सीरीज़ है वो इनके ऊपर आधारित है, जिसमें ये एक सेक्सी ग्लैमर यू नो बेबी डॉल की तरह रिएक्ट कर रही है, उसमें एक्ट कर रही है, और इनका बहुत ही अच्छा है. और इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की इस रोल के लिए, और उम्मीद है कि ये और अच्छा करेंगे. थैंक यू. मैंने भी कुछ नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ की है, एक दो मिर्ज़ापुर की है मैंने नेटफ्लिक्स की. वेब सीरीज़ बहुत चल रहा है अभी और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत आगे चलेगा बढ़ेगा. हमारे लिए कुछ नहीं है, सब कुछ तेरे लिए है. इट मीन्स इट्स ऑल अबाउट फॉर यू. वेब सीरीज़ का ज़माना है, शॉर्ट मूवीज़ चल रही है. एक प्रयास मेरे फ्रेंड ने किया है, विवेक जी ने, अरमान ने, तो डेफिनेटली मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी. बेस्ट विशेज, सब कुछ अच्छा ही होगा और होपफुली हम भी आगे काम करेंगे साथ में इसमें. एक Obviously. वेब सीरीज डेफिनेटली मैं करना चाहूँगी, बट द डिसेंट वन ओनली. ही नोज कि मैं डिसेंट वाला करना चाहूँगी एंड एवरीबडी नोज कि वेब सीरीज ज़्यादा डिसेंट नहीं होती है, तो ये मेरे लिए कुछ डिसेंट ढूंढ कर लाए, तो डेफिनेटली डिसेंट ही रहेगा. थैंक यू. थैंक यू. ढूंढेंगे ना, ढूंढेंगे. इसका आजकल अच्छा प्रयास हो रहा है और फिल्म ये सीरियल वगैरह से हटके काफ़ी बन भी रही है, और ये भी मैंने देखा है इसमें एक अच्छा प्रयास किया गया है. दो तीन फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक मुझे थोड़ा सा ज़रा ख़राब लगी. कौन सा खराब लगा? वो जो दो लड़कियां आपस में हैं. तो मैं चाहता हूं कि देखिए ये जो चीज़ है, जो चीज़ पर्दे में थी उसको ओपन करके आजकल जो आने वाली जनरेशन है उस पर काफ़ी असर होता है. तो मैं तो चाहूँगा ये अगर जो प्रयास कर रहे हैं ये जैसे ही हिट हो, F13 जो है प्रोडक्शन, एक अच्छी चीज़ भी लाए जिससे लोगों को अच्छी चीज़ें सीखने को मिले. और इससे क्योंकि ये मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, इससे काफ़ी लोग सीखते हैं और बिगड़ते भी हैं. तो गंदी चीज़ जल्दी लोग पकड़ते हैं और गलत रास्ते पे जल्दी वो जाते हैं. लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि या उनसे कहूँगा कि वो कोशिश करें एक अच्छे रास्ते की तरफ, समझाने की तरफ, सुधार की. बाकी बहुत बढ़िया है. थैंक यू. जैसा सर ने बोला कि उनको एक जो स्टोरी थी वो अच्छी नहीं लगी, वो स्टोरी अनफॉर्चुनेटली मेरी ही थी. सॉरी, मैं साथ ही बैठी हूँ. इट्स ओके. बट क्या ये जो चारों वेब सीरीज़ है, ये चारों वेब सीरीज़ एक्चुअली ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है. ये इनकी जो सारी स्टोरीज़ है जो आपने देखा, ये फेक नहीं है, ये ट्रू स्टोरी है. जैसे मेरे वेब सीरीज़ के वर्जिन लव में भी एक इसके पीछे एक स्टोरी है, जो आपको बाद में वेब सीरीज़ देखने के बाद पता चलेगा कि ये इस स्थिति में वो कैसे आती है कि वो वर्जिन लड़कियों के साथ रेप करना शुरू करती है. एक्चुअली देखा जाए तो ये विलन है, बट ये विलन नहीं है, इसके बैकग्राउंड में भी एक स्टोरी है. तो स्टोरी के डिमांड के अकॉर्डिंग इसे ऐसे फिल्माया जाना ज़रूरी था. वेल जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने काफ़ी फिल्में की हैं, एज ए सीनियर एक्टर हैं आप. जिस प्रकार से वेब सीरीज़ का मार्केट बढ़ रहा है, फिल्मों और वेब सीरीज़ का जो क्रेज है, आपको आप दोनों दौर देख रहे हैं, उसमें वेब सीरीज को किस रूप में आप लेते हैं? नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल. मुझे इस लाइन का 44 साल का अनुभव है और ये मैं कभी सोचता ही नहीं था कि फिल्मों से ज़्यादा क्रेज़ वेब सीरीज़ का हो जाएगा. ये बहुत सही कदम है और ख़ासकर कलाकारों के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए ये बहुत सही रास्ता मिल गया है. और निश्चित रूप से एक वक्त ऐसा आएगा, जो मेरा अपना अनुभव है, कि फिल्म इंडस्ट्री में केवल वेब सीरीज़ बनेंगी और मोबाइल चलेगा. तो हम सब लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ. डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन, एक्टर सबको बहुत बहुत मुबारकबाद.
سب کو ترقی دے, اس پروڈکشن کو ترقی دے, ایسے ہی سیل بنا. اور ابھی میں نے یہ ویب سیریز کا پروموز دیکھے, سپر, کتنا بڑھیا بنایا, ایک دم نئی چیز, یہ فلموں میں دیکھنے کو نہیں ملتی. یہ گالی گلوز, اس طرح کا جو رومانس, یہ سب چیزیں کہاں ہوتی ہیں فلموں میں؟ ہر جگہ سینسر ہے, ویب سیریز میں سینسر نہیں ہے. آپ سوال, یس کچھ بھی دکھائیں گے تبھی تو مزہ آئے گا. ہم سر ہم بزرگ ضرور ہیں, لیکن 20 سال کے لڑکے سے کم نہیں ہے کسی بات میں. یس بالکل کر رہے ہیں, پردے پر گالی گلوز دے رہے ہیں, بالکل. تھینک یو ویری مچ, آل دا بیسٹ, آل فار.